जूम करके देखो गाइस, ये सोनपरी के गोले हैं जिससे कि सोनपरी को बुलाते थे। हाय, सो आज अभी पास्ता बना रहे हैं। मेरे को लगता है कि व्लॉगिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप डेली व्लॉग बना रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या कंटेंट बनाना है। तो मेरे हिसाब से डेली व्लॉगिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट कोई बात नहीं। मैंने सोचा है कि अब मैं अपने चैनल पे व्लॉगिंग भी डालूंगी, मतलब मैं व्लॉगिंग करूंगी। सो आई हैव जस्ट टुक अ शावर, अभी मैं नहा के ही आई हूँ। तो नहा के ही मेरे को भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं पास्ता बना लूँ। मेरे पास पास्ता पड़ा हुआ, अभी इसके बाद हम तैयार होंगे। एंड मैं सोच रही हूँ आज बाहर घूमने जाऊँ, थोड़ा बाहर रुक जाऊँ। लेट द वाटर बॉइल। इसमें पानी कम था, फिर मैंने इसमें पानी डाला, ये चिपक गई थी यार। बन गया टेना नेना नेना ने, पास्ता पास्ता पास्ता। तो मैं रैंडमली तैयार होके बाहर आ गई हूँ, एंड हम रैंडम होटल पे जा रहे हैं। ठंड तो बहुत हो रही है, बट देखते हैं अभी कहाँ जाए। कहीं पे भी लगा दो। एक्चुअली जाना मेरे को साकेत मॉल था सिलेक्ट सिटी, बट गलती से हम DLF आ गए हैं, तो हम यहाँ से फिर अब साकेत जा रहे हैं। हर जगह पे हर मॉल में बड़ा सुंदर सजा के रखते हैं। तो अभी मेरे को पता चला कि सिलेक्ट सिटी इन्होंने गैदरिंग के चक्कर में बंद किया हुआ है, कि कोरोना के चक्कर में ज़्यादा लोग ना हो, इसीलिए हम अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो ये ले लिया एग्जिट, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं करने को, तो क्या ही करेंगे। लोग भी दिखाओ कितने सारे आ रखे हैं। हाँ, नहीं कोई आई नहीं। इतने से लोग हैं बस, इसीलिए। तो हम एक्चुअली गलत मॉल चले गए थे, हम KGF मॉल चले गए थे। कौन से मॉल चले गए थे? KGF, चलो गलत मॉल चले गए थे। तो अभी हम सही वाले मॉल में आ गए हैं, तो अभी MGF मॉल में चले गए थे, कॉर्पोरेट मॉल में। तो अभी हम बिल्कुल साकेत वाले मॉल में आ गए, सिलेक्ट सिटी साकेत वाले में, बिल्कुल वाले में ना। तो मैं ऊपर चढ़ रही हूँ गाइस। फाइनली मैंने KFC से ले लिया, बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो अब कुछ खाते हैं। क्या क्या लिया वो तो बता। मील ले लिया मैंने यहाँ पे, यूजुअली बहुत ज्यादा लाइक नीचे टेंट वेंट से लगे रहते थे, लेकिन हाँ बहुत क्राउड रहता था। अभी पूरा खाली खाली है, ठंड के चक्कर में नहीं, कोरोना की वजह से। और आधे लोगों को तो बोल रहे हैं कि मॉल कर्फ्यू भी है, हाँ उस चक्कर में भी है। तो यहाँ पे हर जगह क्रिसमस की डेकोरेशन कर रखी है, मैंने बहुत सारी फोटोज भी खींच ली है। आप में से जिसको भी मेरी फोटोज देखनी है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको यहाँ पे डेकोरेशन दिखाती हूँ। तो देखो पूरा क्रिसमस का कितना सुंदर बना रखा है, क्रिस्टल क्रिस्टल है। और ये जूम करके देखो गाइस, ये सोनपरी के गोले हैं जिससे कि सोनपरी को बुलाते थे, तो वो अल्तू के साथ आती थी, छोटे छोटे गोले। तू जिम तो बहुत सारे गोले गोले मिला के बड़ा सा गोला बना दिया इन्होंने। तो गाइस अब आकाश मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, कह रहा घर चल घर चल। तो अब हम निकल रहे हैं, क्योंकि रात भी बहुत हो गई है, ठंड भी बहुत हो गई है। हम गाड़ी नहीं लेके आए, हाँ, और हम कार भी नहीं लेके आए, तो हमें स्कूटी से जाना पड़ेगा, और ठंड बहुत ज्यादा है, और हमारी वाट लग जाएगी। अबे वाट चलना, वहां से चलो, आकाश की वाट लग जाएगी गाइस, मेरी तो नहीं लगने वाली है। अपनी बात कहने के लिए मेरे पे नाम मत डाला करो। गाइस मैं एस्केलेटर से नीचे उतर रही हूँ, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ, डेली नहीं तो कम से कम व्लॉगिंग तो स्टार्ट ही कर दूंगी, मतलब वीक में एक दो वीडियो डालने शुरू कर दूं। क्योंकि मैं बहुत सारे व्लॉगर्स को देखती हूँ, वो डेली व्लॉग डालते हैं, बट डेली का तो यार टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है। मतलब फुल टाइम व्लॉगिंग अभी तो हो नहीं पाएगी मेरे से,
तो आपको क्या लगता है कि मेरे को ब्लॉगिंग करनी चाहिए या फिर मेरे को रैंडम ही जो नॉर्मल क्वालिटी का जो कंटेंट होता है जो हम कभी कभी डालते हैं वो डालना चाहिए? तो कमेंट करके बताओ यार, अगर ब्लॉग्स व्लॉग देखोगे तो मैं ब्लॉगिंग भी करूँ स्टार्ट। तो अभी हम नीचे पार्किंग में जा रहे हैं क्योंकि एक तो हमने DLF की उसमें पार्किंग में लगा दी है अपनी स्कूटी और हमें जाना साकेत था और वो बहुत ज़्यादा थोड़ा डिस्टेंस पे है, बीच के रास्ते बंद कर रखे हैं ना। हाँ, रास्ते बंद कर रखे हैं और अभी हमें पैदल जाना पड़ेगा, तो पार्किंग में भी पैदल पैदल जा रहे हैं, बहुत स्लाइड ही स्लाइड ही सा है। तो हमें हमारी स्कूटी मिल गई, हो रही, अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। गाइज, मेरी फोटोज देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना।